दोस्तों, हरियाणा के सीएम मनोहर खट्टर के द्वारा जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान जो है एक बड़ी घोषणा की गई है। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा लें ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है योगी स्मार्ट। हरियाणा से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट को सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम चैनल से भी दोस्तों आप जरूर जुड़ें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है योगी स्मार्ट। दोस्तों, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के द्वारा जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान जो है एक बड़ी घोषणा की गई है। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर भी जरूर करें। ये देख सकते हैं दोस्तों, लोगों का जीवन सरल हो इसके लिए सरकार ने जो है बनाई अनेक कल्याणकारी नीति। मनोहर लाल खट्टर के द्वारा बड़ी घोषणा की गई है। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान जो है आ रही शिकायतों से निपटारा करने के लिए जो है दोस्तों हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के द्वारा एक कल्याणकारी नीति को बनाया गया है, यानी कि इसमें सभी हरियाणा वासियों की जो है समस्याओं का जो समाधान हो इसके तहत जो है जनसंवाद पोर्टल के तहत जो है हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के द्वारा जो है दोस्तों कुछ समय पहले जनसंवाद पोर्टल की शुरुआत की गई थी, जिसमें अनेकों जो है शिकायतें उसमें आप अपनी दर्ज करवा सकते हैं और उनका निपटारा आप करवा सकते हैं। सीएम साहब ने कहा कि जितनी भी शिकायतें जनसंवाद कार्यक्रम से मिल रही हैं और जनसंवाद जो पोर्टल है उसके माध्यम से हमें जो मिल रही हैं उनको विभागों के द्वारा भेजा गया है और ऑनलाइन जो है इनको भेजा गया है, जिसका समाधान जो है निश्चित समय पर जो है किया जाएगा और इसमें संबंधित अधिकारी जो है आपकी इसमें पूरी जो है जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान करेंगे। प्रदेश के लोगों को जीवन सरल हो इसके लिए हरियाणा सरकार ने अनेकों कल्याणकारी नीतियां बनाई हैं, जिसमें भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हमारी सरकार के द्वारा जो है इसमें लोगों तक योजनाओं का सीधा लाभ पहुँचाने को लेकर भी जो है अब सरकार सीधे जो है लाभार्थियों के खाते में जो है जो राशि जो दे जानी है वो लाभार्थियों के पास पहुंचाई जाएगी, यानी कि बीच में किसी प्रकार का कोई घपला इसमें नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट सरकार से जो है डायरेक्ट आपके खातों में जो है वो राशि पहुंचाई जाएगी। इसको लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के द्वारा लगातार जो है जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान भी जो है दोस्तों बड़ी बड़ी घोषणाएँ कर रहे हैं और राशन कार्ड को लेकर भी जो है दोस्तों इसमें बड़ी घोषणा की गई है। देख सकते हैं राशन कार्ड में जो है अगर आपकी इनकम ज़्यादा दिखाई गई है तो इनकम टैक्स अगर आप भर और इसमें शिकायतकर्ताओं की पेंशन को भी शुरू करने की बात जो है हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के द्वारा की गई है। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें और हरियाणा से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट को आप सब्सक्राइब जरूर करें।